आइए अब इसे बनाने की विधि को जान लेते हैं, जिससे कि आप अपने घर पर आसानी से बना सकें। 20 किलो फीड ब्लॉक बनाने के लिए 10 किलो भूसा लिए, 10 किलो भूसा के बाद 4 किलो मक्का लिए, 3 किलो खल्ली है और 2.5 किलो चोकर है। इसमें हम 0.5 किलो छुआ गुड़ मिलाते हैं। छुआ गुड़ और इन सब के साथ एक और अति आवश्यक आहार अवयव है, वो मिनरल मिक्सर और नमक, जो कि हम 100-100 ग्राम दोनों में से दे सकते हैं। कंप्लीट फीड ब्लॉक या चारा ईट बनाने के लिए 50% भूसा और 50% दाना मिश्रण की जरूरत होती है। दाना मिश्रण में 40% पीसा हुआ मक्का, 30% खल्ली, 24% चोकर, 5% छुआ गुड़, 0.5% मिनरल मिक्सचर और 0.5% नमक का प्रयोग करें। अब भूसा और दाना मिश्रण को एक साथ अच्छी तरह मिला लें। फिर तैयार किया हुआ भूसा और दाना मिश्रण को 1 kg की मात्रा में लेकर फीड ब्लॉक बनाने वाली मशीन में डाल दें। मशीन के अंदर वर्गाकार आकार में भूसा और दाना मिश्रण के ऊपर एक निश्चित दबाव लगाया जाता है। कंप्लीट फीड ब्लॉक या चारा ईट बनकर तैयार हो जाता है और इस प्रकार 1 घंटे में करीब 35 से 40 कंप्लीट फीड ब्लॉक बनाकर तैयार किया जा सकता है। अगर आप चारा ईट बनाना चाहते हैं और इस प्रकार की बड़ी मशीन नहीं ले पा रहे हैं, फिर भी आपके लिए सस्ते विकल्प भी उपलब्ध हैं। आप इस प्रकार के हाथ से चलने वाले छोटे मशीन से भी इसी तरह से ही कंप्लीट फीड ब्लॉक बना सकते हैं और अपने पशुओं को चारा ईट के रूप में परोस सकते हैं एक लजीज व्यंजन।